गुड इवनिंग फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और अच्छा बेनिफिट भी आप ले रहे होंगे। आज मैं जीडी के टॉपिक के बजाय जो हमारी ग्रामर की सीरीज चल रही थी और उसमें मैं नाउन जेंडर्स का टॉपिक करवा रहा था और उस टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, नाउन जेंडर्स को। ओके, जल्दी से ऑनलाइन आओ, लाइव आओ और बेनिफिट उठाओ। ओके, लेट मी स्टार्ट। हमारा टॉपिक चल रहा था रिगार्डिंग टू द नाउन जेंडर्स और ग्रामर की सीरीज में मैंने आपको बता दिया था कि जेंडर्स चार प्रकार के होते हैं। आज मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट जेंडर्स जिसमें मास्कुलाइन और फेमिनाइन हम सीखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ वो जेंडर्स ले रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उम्मीद है कि आप लाइव आ गए होंगे और वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक ग्रामर की सीरीज से है और हम लोग नाउन जेंडर्स पढ़ने जा रहे हैं। नाउन जेंडर्स में मैंने जैसे बताया कि इसके प्रकार काइंड्स मैं पहले करवा चुका हूँ, अभी मैं लिस्ट बढ़ा रहा हूँ एक मास्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर की। ओके, लेट मी स्टार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है मॉन्क। मॉन्क साधु को कहा जाता है। साधु के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं जो है फ्रेयर। ओके, और जो साध्वी होती है इसका फेमिनाइन जेंडर होता है, वो होता है नन। तो मॉन्क साधु, नन साध्वी। तो आपके एग्जाम में एयरफोर्स में ये पूछा जा चुका है कि मॉन्क का फेमिनाइन जेंडर बताओ। तो मॉन्क का फेमिनाइन जेंडर होता है नन साध्वी, और फ्रेयर भी साधु को कहा जाता है। आपके एग्जाम में वर्ड आ चुका है बैचलर, जिसको हम बोलते हैं साधु, वो कंवारा। कंवारा जो लड़का होता है उसको हम बैचलर बोलते हैं, और कंवारी जो लड़की होती है उसको हम लोग स्पिनस्टर बोलते हैं। या एक वर्ड और होता है इसके लिए और वो वर्ड है मैड। वैसे मैड के और भी बहुत मतलब होते हैं। मैड का मतलब नौकरानी भी होता है, मैड का मतलब कुंवारी लड़की भी होती है। अब आपके एग्ज़ाम में इसमें जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था, बैचलर का जेंडर पूछा गया था और आंसर था स्पिनस्टर। तो स्पिनस्टर होता है कुंवारी लड़की को बोलते हैं। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में पूछा गया विडोवर। विडोवर किसको बोलते हैं, ये होता है विधुर। व्हाट डिड आई से, मैंने कहा ये होता है विधुर। विधुर कहा जाता है एक ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी की डेथ हो गई हो। ठीक है, ए मैन हुज वाइफ हैज डाइड, विडोवर। और विडो आप सब जानते हो, एक ऐसी महिला जिसकी पति की डेथ हो गई हो उसको विडो कहा जाता है। तो विडोवर मास्कुलाइन हुआ और विडो इसका फेमिनाइन हुआ। ओके, नेक्स्ट जो इसी साल तुम्हारे एग्जाम में एयरफोर्स में पूछा गया था और वो वर्ड पूछा गया था
स्पोक्समैन। सिंपल सी स्पेलिंग है, स्पोक तो आप जानते ही हो, स्पीक की पास्ट फॉर्म होती है, और स्पोक्समैन को कहा जाता है प्रवक्ता, ठीक है। और इसका जो स्त्रीलिंग होता है, मतलब फेमिनाइन जेंडर होता है, वो कहलाता है स्पोक्स पर्सन। मतलब महिला जो प्रवक्ता होती है उसको स्पोक्स पर्सन बोलते हैं, और पुरुष जो प्रवक्ता होता है उसको स्पोक्समैन कहा जाता है, स्पोक्समैन प्रवक्ता। अब ये क्वेश्चन कैसे आया था पिछले साल आपके एयरफोर्स के अंदर, ये स्पोक्समैन जो था वो वन वर्ड के अंदर पूछा गया था, ठीक है। क्या वन वर्ड था इसका? इसका था कि वन हु स्पीक्स, वो व्यक्ति जो बोलता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, जो दूसरों की तरफ से बोलता है उसको प्रवक्ता कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा संबित पात्रा को हम लोग रोज ही देखते हैं न्यूज चैनल के ऊपर। संबित पात्रा एक बीजेपी का प्रवक्ता है, बीजेपी की पार्टी की तरफ से बोलता है, जो जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्पोक्समैन। अब बच्चों ने क्या गलती करी कि जब ये क्वेश्चन आया था स्पोक्समैन का, तब इसके साथ ऑप्शन में एक वर्ड था ओरेटर, ये आंसर करी आई। देखो ओरेटर का मतलब होता है वक्ता, वक्ता वो होता है जो अच्छा बोलता है, जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है उसको वक्ता बोलते हैं ओरेटर, लेकिन जो दूसरों की तरफ से बोलता है उसको स्पोक्समैन प्रवक्ता कहा जाता है। तो इसको आप वन वर्ड के लिए याद रखेंगे, और जेंडर ऐसी जो महिला जो दूसरों की तरफ से बोलती है उसको हम स्पोक्स पर्सन कहते हैं। इज इट ओके? तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। नेक्स्ट बात मैं बोल रहा हूँ, ऐसा ही एक पर्सन, एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं चेयरमैन। चेयरमैन क्या होता है? अध्यक्ष होता है चेयरमैन, और जो महिला जो होती है उसको कहा जाता है चेयरपर्सन। ये तुम्हारे एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा गया, लेकिन ये एक बार एसएससी के एग्ज़ाम में मैंने देखा था। और किस तरह से मैंने देखा था एसएससी के एग्ज़ाम में, मैंने ये देखा इस तरह से, कोई सेंटेंस था कि सोनिया गांधी इज़ द चेयरमैन ऑफ द यूपीए। यू नो यूपीए कांग्रेस का गठबंधन है, यूपीए, जैसे बीजेपी का एनडीए होता है वैसे कांग्रेस का जो होता है वो यूपीए होता है। तो क्वेश्चन ये था कि सोनिया गांधी यूपीए की चेयरमैन है, ठीक है। अब हमें पता है कि यार सोनिया गांधी एक महिला है, और महिला के लिए चेयरमैन शब्द नहीं आता, चेयरपर्सन शब्द आता है, ठीक है। इसलिए यहाँ ये जो चेयरमैन जो शब्द था वो गलत था, इसके स्थान पर चेयरपर्सन आना था। तो ये इस सेंटेंस के अंदर एरर थी, गलती थी, और आपको याद भी रखना है। आई इतनी बात समझ में? अब अगला जो वर्ड मैं ले रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ, अगला नेक्स्ट जो वर्ड है वो होता है हार्ट। हार्ट हिरण को कहा जाता है, ठीक है। हार्ट हिरण होता है, और आर ओ ई रॉ होता है हिरणी। तो हार्ट हिरण और रॉ क्या कहा गया? हिरणी कहा गया। हिरण को एक और बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टेग, हिरण, और जो हिरणी होती है उसको हाइंड भी कहा जाता है। तो स्टेग कौन सा हिरण होता है? बारहसिंगा हिरण, ठीक है। और बारहसिंगी हिरणी को हम लोग
हाइंड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो वर्ड्स हुए, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने लिए हैं, हो सकता है कि इनमें से ही कोई क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाए। तो मैंने कहा है कि मॉन्क साधु, नन साध्वी, बैचलर कुंवारा लड़का, स्पिंस्टर कुंवारी लड़की, विडोवर विधुर, एक महिला जिसके पति की डेथ हो गई हो, और ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, विडो। और जहाँ तक मुझे याद है कि ये वर्ड भी आपके वन वर्ड में पूछा हुआ है, विडोवर। इस तरह से पूछा गया था कि ए मैन हुज वाइफ हैज डाइड इज कॉल्ड विडोवर। और ये भी मैंने बताया तो लास्ट ईयर एयरफोर्स में था, स्पोक्समैन वन वर्ड के अंदर पूछा गया था। ये पूछा गया था कि वन हु स्पीक्स टू मच ऑफ वन सेल्फ, जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बोलता है वो होता है स्पोक्समैन। ओके, चेयरमैन अध्यक्ष होता है और महिला अध्यक्ष को हम चेयरपर्सन बोलते हैं। हार्ट भी हिरण बताया, स्टेक भी हिरण बताया। तो हार्ट का तो होता है रो, और स्टेक का क्या होता है, हाइंड होता है। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला जो वर्ड हमारा है, एक तरफ हम मास्कुलाइन करवा रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं आपको फेमिनाइन जेंडर करवा रहा हूँ, गोट इट। नेक्स्ट जो वर्ड मैं लेने जा रहा हूँ वो होता है, वो वर्ड है हमारा मास्कुलाइन में, वो वर्ड है जैकेस, ठीक है। जैक एस, इसको एस पढ़ा जाता है, हालांकि कुछ बच्चे इसको अलग तरीके से पढ़ते हैं, कुछ इसको जकास पढ़ते हैं। तो ये जकास नहीं है, ये जैक एस है, ठीक है। इसको कहा जाता है गधा, और जो गधी होती है उसको हम लोग कहते हैं जेनी एस। तो जैक एस गधा, और जेनी एस क्या होता है, गधी होती है। इसी तरह से वर्ड है जार, ठीक है। इसमें सी साइलेंट रहता है, इसको जार पढ़ा जाता है, ठीक है। जार किसे बोलते हैं, जार कहा जाता है रूस के सम्राट को, रूस का जो राजा होता है उसको जार बोलते हैं, और उसकी पत्नी को जारीना कहा जाता था। तो जार का हो गया जारीना। तो आप देखोगे कि रूस की जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा रूस के जो भी राजा हैं उनके नाम के साथ आपको जार शब्द जुड़ा हुआ मिलेगा, जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस तृतीय, इस तरह का मिलेगा। और उसकी पत्नी को जारीना कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात मैं करूँ जार जारीना, इसी तरह से एक वर्ड होता है सुल्तान। तो सुल्तान राजा को कहा जाता था, और उसकी जो पत्नी होती थी उसको कहा जाता था सुल्ताना, ठीक है। सुल्ताना, सुल्तान की जो पत्नी थी उसको कहा जाता था। इसी तरह से कोल्ट होता है, उसका फेमिनाइन जेंडर होता है फिली। कोल्ट किसे कहते हैं, कोल्ट होता है बछेरा। बछेरा होता है जो घोड़े का जो नर बच्चा होता है वो कोल्ट होता है, और घोड़े का जो मादा बच्चा होता है उसको कहा जाता है फिली। तो कोल्ट का हो जाएगा अपने पास फिली, इज इट ओके। तो इस तरह से हमारे पास हो गया जैकेस, जैकेस कहा जाता है गधे को, और जेनियस किसको कहा जाता है, गधी को कहा जाता है। जार बताया मैंने रूस के सम्राट को, कि रूस का जो सम्राट होता है उसको जार बोलते हैं, और रूस की जो सम्राज्ञी होती है उसको जारीना कहा जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि रूस के जो भी राजा हैं उनके नाम से पहले आपको जार शब्द मिलेगा, ठीक है। और उसकी जो पत्नी मैंने कहा वो क्या होती है, जारीना होती है। सुल्तान राजा को बोलते थे, सुल्ताना उसकी पत्नी होती थी,
ओके, और कोल्ट होता था बछेरा, घोड़े का जो नर बच्चा है उसको कोल्ट बोलते हैं और घोड़े का जो मादा बच्चा है उसको फिली कहा जाता है। इज इट क्लियर? इसी तरह से एक वर्ड होता है बुलोक, बुलोक कहा जाता है बाछा, गाय का बाछा, और गाय की जो बाछी होती है उसको हैफर कहा जाता है। बुलोक गाय का बाछा और हैफर क्या होगी? बाछी होगी गाय की। गाय के बाछे को, बच्चा जो होता है बुलोक जो होता है उसको एक वर्ड और भी बोलते हैं, वो होता है बुलकाफ, और बाछी को कहा जाता है काउ काल्फ। बुलकाल्फ बाछा होता है और काउ काल्फ होती है बाछी। समझ पाए हो? ठीक इसी तरह से फॉक्स, हम इसको आज तक लोमड़ी लोमड़ी करते आए हैं, तो फॉक्स एक्चुअली लोमड़ी नहीं होती, लोमड़ होता है। लोमड़ी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, लोमड़ी को विक्षन कहा जाता है। तो फॉक्स का जो फेमिनाइन जेंडर है वो विक्षन होता है। ठीक इसी तरह से एक वर्ड होता है अल और काउंट, ठीक है, एक वर्ड होता है अल, दूसरा होता है काउंट। इन दोनों का मतलब होता है सामंत। सामंत क्या होते थे? राजा के अधीन जो छोटे राजा होते थे उनको अर्ल या काउंट बोलते थे, और इसका जो फेमिनाइन होता था उसको काउंटिस कहा जाता था। ठीक है, काउंट गिनती भी होती है और काउंट का मतलब सामंत भी होता है, तो काउंटिस जो होता है वो सामंत की पत्नी होती है, काउंटिस। तो अर्ल और काउंट का मतलब हुआ सामंत, और काउंटिश हुआ सामंत की पत्नी। इज इट ओके? तो एक बार फिर देख लेते हैं, जैकेस गधा, जेनियस गधी, जार रूस का सम्राट, जारीना उसकी पत्नी, सुल्तान राजा, सुल्ताना उसकी पत्नी, कोल्ट घोड़े का बछेरा, फिली घोड़े की बाछी, बुलोक और काउकाल्फ बाछा, हैपर और काउकाल्फ हो गई बाछी, फॉक्स होता है लोमड़, विक्षन होता है लोमड़ी, अर्ल और काउंट का मतलब सामंत होता है, और काउंटिश जो होता है वो सामंत होती है। ठीक है, अब अगली बात मैं करूं, और वर्ड्स इसके अंदर हम लें सीखने के लिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप ये नहीं समझें कि ये टॉपिक मैं यूजलेसली आप लोगों को करवा रहा हूं। ठीक है, तो अगला जो वर्ड है वो बड़े सिंपल हैं, जैसे हम लोगों को ये पता है कि एक वर्ड होता है टॉम कैट, टॉम कैट कहा जाता है बिलाव को, टॉम कैट बिलाव, और जो बिल्ली होती है उसको टैबी कैट कहा जाता है, टॉम कैट और टैबी कैट कहा जाता है। ठीक है, टॉम कैट बिलाव होता है और टैबी कैट किसको बोलते हैं? बिल्ली को बोलते हैं। समझ पाए हो? बाकी आपको पता है कि नेफ्यू भतीजा और नीस भतीजी, किंग राजा, क्वीन रानी। समझ पा रहे हो? ब्रदर का सिस्टर आपको पता है, अंकल का आंट पता है। ठीक है, इसी तरह से एक वर्ड होता है लॉर्ड, लॉर्ड होता है मालिक, लॉर्ड का होता है लेडी, मालकिन। इसी तरह से एक वर्ड होता है लैंडलॉर्ड, ये जमींदार या मकान मालिक होता है लैंडलॉर्ड। तो जमींदारिन या मकान मालकिन को लेडी कहा जाता है। ठीक इसी तरह से एक वर्ड है जेंटलमैन, जेंटलमैन कहा जाता है सभ्य पुरुष, भद्र पुरुष, तो इसका होता है लेडी। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेंटलमैन का लेडी। कैसे पूछा गया था पता है आपको? उन्होंने इस तरह का कोई सेंटेंस लिख दिया था कि सी इज ए जेंटल लेडी, कि वो एक जेंटल लेडी है। ठीक है, और गलती पूछी थी, एरर पूछी थी, तो हम लोग ये समझते हैं कि लेडी के साथ जेंटल शब्द का यूज नहीं होता है। जेंटल शब्द का यूज तो मैन के साथ किया जाता है, लेडी के साथ नहीं होता। तो यहाँ ये जो वर्ड है वो गलत है, ये सीधा होना चाहिए था सी इज़ ए लेडी।
कि वो एक लेडी है। तो आप ये बात मेरी याद रखेंगे, ठीक है। अगली बात मैं करूँ, देखो अगला हमारे पास है बक, बक, ठीक है, इसका होता है डॉग, ठीक है। बक होता है नर खरगोश और डो होता है मादा खरगोश, तो बक्का हो गया अपने पास, क्या हो गया, डो होगा। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड हैं, आपके एग्ज़ाम में एक वर्ड ये भी आया था, एम्परर। एम्परर सम्राट को बोलते हैं, एम्परर कहा जाता है सम्राट को, राजा को बोलते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है भी, इसको नोट करना विशेष रूप से। तो एम्परर का जो जेंडर होता है वो एम्प्रेस होता है। अब इसमें इसकी स्पेलिंग पर्टिकुलरली हम लोगों को देखनी है, इसकी स्पेलिंग में हम लोग ये देख रहे हैं कि अंत में जो ये ओ आर आ रहा है वो भी हट रहा है, और ये जो ई आ रहा है ये भी हट रहा है, और फिर हम लोग ई डबल एस लगा रहे हैं, ये विशेष रूप से आपको देखना है, ठीक है ना। तो क्योंकि उसमें जब क्वेश्चन आया था तो एक ऑप्शन तो ये दिया गया था, और एक ऑप्शन उन्होंने सीधा बना दिया था एम्प्रेश, एक ऑप्शन बनाया गया था एम्प्रेश और एक ऑप्शन बना दिया एम्प्रेश, इस तरह से बना दिया। तो जिसको प्रॉपर स्पेलिंग तैयार थी वो इसका राइट आंसर दे रहा था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एम्परर में ओ आर हटेगा और ई हटेगा, फिर ई डब्ल एस लगेगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो हमारी बात यहाँ तक हुई, ठीक है ना। अब अगली बात अपन करते हैं, ठीक है। तो टॉम कैट मैंने बिलाव बताया, टेबी कैट बिल्ली, नेफ्यू भतीजा, नीस भतीजी, किंग का क्वीन आपको पता है, लॉर्ड मालिक, लेडी मालकिन, लैंडलॉर्ड जमींदार, लैंड लेडी जमींदारिन या मकान मालकिन, जेंटलमैन भद्रपुरुष और लेडी, ये आपके पूछा था। इसमें मैंने बताया कि लेडी के साथ में जेंटल शब्द का यूज नहीं किया जाता है। बक का डो हो गया, एम्परर का एम्प्रेस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या मैं इसमें ले रहा हूँ वो हमें देखना है, ठीक है। तो अगली बात क्या है कि आपके एग्जाम में ये वर्ड भी आया हुआ है, ठीक है। अब ज़्यादातर बच्चे इसको राम पढ़ते हैं, तो एक्चुअली ये राम शब्द नहीं है, इसको पढ़ा जाएगा रैम, ठीक है। इट इज़ नॉट राम बट इट इज़ रैम, रैम पढ़ा जाएगा, और इस रैम का जो मीनिंग होता है वो होता है भेड़ा, भेड़ा, भेड़ा का मतलब होगा नर भेड़, ठीक है। और जो भेड़ होती है उसको यू या सिप कहा जाता है, तो सिप तो आप सबको पता ही है ना। और ये जो वर्ड है ना इसको यू पढ़ा जाता है, कुछ बच्चे इसको ईव पढ़ते हैं, तो ईव पढ़ना गलत है, इसका प्रोनंसिएशन, इसका जो उच्चारण होता है वो यू होता है, ई डब्ल्यू ई, क्योंकि इससे फ़र्क ये पड़ता है कि यदि आप इसको यू पढ़ोगे तब इसके पहले ए आर्टिकल आएगा, ठीक है, इसके पहले ए आर्टिकल आएगा, और यदि इसको आप यू पढ़ोगे तो इसके पहले एन आर्टिकल आएगा। तो एक बार ये आर्मी क्लर्क के अंदर आर्टिकल पूछा गया इसके पहले, तो आपको याद रहना चाहिए कि ई डब्ल्यू ई जो है इसके पहले एन आर्टिकल नहीं आता, ए आर्टिकल आता, और इसका मतलब जो होता है वो भीड़ होता है। तो ये वर्ड मेरी नज़र में दो बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, एक बार तो ये राम का ये पूछा जाता है हमेशा, यू रैम जो है भेड़ा है, ये राम नहीं है, क्या है, रेम है, भगवान राम है, उसके लिए तो ये स्पेलिंग लिखी जाती है रामा, लॉर्ड रामा, ठीक है ना। तो आप इसको प्रॉपर याद रखेंगे। इसी तरह से मैं अगले वर्ड की बात करूं, तो अगला वर्ड हमारे पास है सिग्नोर। सिग्नोर कहा जाता है महास्य, ये इटालियन भाषा का वर्ड है, इंग्लिश का नहीं है, इसका मतलब मैंने बताया महास्य। और सिग्नोरा जो होती है, सिग्नोरा इसका मतलब होता है महाश्या, तो सिग्नोरा महाश्या, सिग्नोर का मतलब क्या होता है, महास्य होता है। अगला वर्ड है विजार्ड, विजार्ड कहा जाता है जादूगर को, ठीक।
ठीक है। जादूगर को कहा जाता है विजार्ड, और जादूगरनी जो होती है उसको विच कहा जाता है, और ये सेम साउंड देते हैं, जैसे डॉग होता है डॉग कुत्ता, और बिच क्या होती है कुतिया, तो विच बिच सेम साउंड देता है इसके अंदर। तो आप याद रखें विजार्ड जादूगर होता है, विच जादूगरनी या चुड़ैल होती है, डॉग का क्या हो जाएगा बिच हो जाएगा। बिच किसको कहेंगे अपन, आपको पता है फीमेल जो डॉग होता है जिसको हम लोग कुतिया बोलते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को। अगला वर्ड है ड्रोन। ड्रोन कहा जाता है नर मधुमक्खी को, ठीक है, और मादा जो मधुमक्खी या जिसको मधुमक्खी बोलते हैं वो बी होता है। तो ड्रोन नर मधुमक्खी है और बी मधुमक्खी को हम वन मधुमक्खी बोलते ही हैं, ठीक है। इसी तरह से एक वर्ड होता है ही एलिफेंट। ही एलिफेंट हाथी होता है, और हथनी जो होती है उसको कहा जाता है सी एलिफेंट। तो ये हुआ ही एलिफेंट और सी एलिफेंट। ही एलिफेंट हाथी और सी एलिफेंट क्या होता है हथनी कहा जाता है। समझ पाए हो। अगली बात यदि मैं करता हूँ तो आपको पता है कि कॉक मुर्गा और हैन क्या होता है मुर्गी। इसी तरह से वर्ड होता है पी कॉक जिसको हम मोर बोलते हैं। मैंने थोड़ा तोड़ के लिखा है पी कॉक, वैसे पी कॉक है ये, तो ये पी तो ऐसा कैसा रह जाएगा, और कॉक का हैन है तो यहाँ भी कॉक का क्या हो जाएगा हैन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा पी हैन बन जाएगा। तो पी कॉक तो आप लोग समझते हो कि पी कॉक का मतलब मोर होता है, और पी हैन क्या होती है मोरनी होती है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और तैयारी भी हो रही है। पसंद तो आए या नहीं आए उसे कोई मैटर नहीं करता, आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो इस लिस्ट के अंदर जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट वर्ड मैंने बताया है वो है रेम। रेम राम नहीं पढ़ते इसको, रेम पढ़ते हैं। इसका मतलब नर भेड़ होता है, और यू भेड़ होती है, और सिप भी भेड़ होती है। सिग्नोर मैंने क्या बताया महाशय श्रीमान, तो महास्या को हम क्या बोलेंगे सिग्नोरा। विजार्ड बताया मैंने जादूगर, विच बताया जादूगरनी या चुड़ैल, डॉग का बिच आपको पता ही है, ड्रोन होता है नर मधुमक्खी, बी होता है मादा मधुमक्खी, ही एलिफेंट हाथी, सी एलिफेंट हथनी, कॉक मुर्गा, हैन मुर्गी, पी कॉक मोर, और पी हैन क्या हो गया मोरनी, ठीक है। नेक्स्ट लिस्ट और देखते हैं इसकी अपन एक और, ठीक है। वैसे तो इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो मैंने आपको इसमें करवाए हैं, ठीक है। अब अगली बात मैं क्या कर रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम में ये वर्ड भी आया हुआ है जेंडर। जेंडर कहा जाता है नर हंस, और जो मादा हंस होती है उसको गूज कहा जाता है। और मैंने पहले भी आप लोगों को पिछले वीडियो में आपको बताया है कि एक जेंडर और होता है GENDER। इस जेंडर का मतलब क्या होता है, इस जेंडर का मतलब लिंग होता है। दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है, इसमें दोनों जगह ई है और इसमें ए और ई है, और ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग याद रखेंगे इसको कि जेंडर का मतलब नरहंस होता है और गूज का मतलब क्या होता है मादा हंस होता है। तो आप ये बात भी इसके अंदर याद रखेंगे, ठीक है। अब अगली बात मैं क्या करने जा रहा हूँ इसके अंदर, अगली बात मेरी है इसमें आप देखते जाएं। देखो आपको पता है ये वर्ड होता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है प्रशासक को, जो प्रशासन चलाता है। मतलब मैंने क्या बताया एडमिनिस्ट्रेटर होता है प्रशासक, प्रशासन चलाने वाला। और जो प्रशासिका होती है उसको इंग्लिश में कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, है ना, यहाँ भी आई आएगा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक, और एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स है ना, ये होती है प्रशासिका, प्रशासन चलाने वाली। ऐसे एक वर्ड होता है टेस्टेटर। टेस्टेटर कहा जाता है वसीयत करने वाला, वसीयत करने वाला। तो इसका जो जेंडर होता है वो होता है टेस्टेट्रिक्स, ठीक है, वसीयत करने वाली। ऐसा ही एक वर्ड होता है एग्जीक्यूटर।
है ना, एग्जीक्यूटर, इसका मतलब होता है संपादक, एग्जीक्यूटर संपादक, और इसका होता है एग्जीक्यूट्रिक्स। तो इन सब में सेम पैटर्न आ रहा है, RIX RIX, ठीक है। तो ये एक साथ आप लोगों को याद हो जाएगा। मैं एक बार फिर बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटिक्स प्रशासिका, और टेस्टेटर वसीयत करने वाला, टेस्टेट्रिक्स वसीयत करने वाली, एग्जीक्यूटर संपादक, और एग्जीक्यूट्रिक्स होती है संपादिका। ओके, वीडियो में कमेंट करते रहो ताकि मुझे एनर्जी मिलती रहे और अच्छा हो आपका भी, मतलब इसके अंदर बहुत अच्छा हो पाए। अब अगली बात जो मैं कर रहा हूँ वो होता है एबोट। एबोट कहा जाता है मठाधीश, मठाधीश मठ का अधिपति, और इसका जो जेंडर होता है वो होता है एबेश, मठाधीशिका। तो एबोट तो मठाधीश किसी मठ का अधिपति, और एबेश होता है किसी मठ की जो महिला जो अध्यक्ष होती है तो उसको एबेश कहा जाता है, समझ रहे हो। अब अगली बात मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, आपके पास एक वर्ड है मिल्कमैन। मिल्कमैन कहा जाता है, आपको पता है दूध वाला, तो ज़्यादातर बच्चे इसको मिल्क वूमेन बोल देते हैं इसका जेंडर। तो इसका जेंडर मिल्क वूमेन नहीं होता, इसका जेंडर क्या होता है, मिल्क मैड होता है। मिल्क मैन तो दूध वाला, और मिल्क मैड जो होता है वो होती है दूध वाली, ठीक है। तो आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो। ओके, अब नेक्स्ट बात मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में आपको एक वर्ड और मैं याद करवाना चाह रहा हूँ, और वो वर्ड हमारे पास है टाइगर, ठीक है। टाइगर तो आप समझते हो, और जो टाइग्रिश इसका जेंडर होता है, ध्यान ये रहे कि ई डब्ल एस तो लग रहा है लेकिन ये जो ई है वो हटके लग रहा है इसमें, ये इसके अंदर खास बात है। तो ये ई हटा कर टाइगर का, और फिर ई डब्ल एस लगाया जाएगा, टाइग्रिश किया जाएगा। इसी तरह से एक वर्ड होता है निग्रो। निग्रो ब्लैक को कहा जाता है, काले लोगों को, अफ्रीका में पाई जाती है जो काले लोगों की प्रजाति, उसको निग्रो कहा जाता है, और इसका जेंडर होता है निग्रिश। इसमें ओ हटके और फिर ई डब्ल एस लगाया जाता है, तो ये निग्रिश होता है, ठीक है। कमेंट थोड़े कम आ रहे हैं आप लोगों के, यदि एंजॉय कर रहे हो तो आप इसको करें, कमेंट करें, लाइक भी करो, लाइक कम आते हैं, है ना, और इसको आगे भी आपको बढ़ाते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों को ये तो पता ही है, पोइट जो होता है उसका पोइटिश होता है, इसी तरह से ऑथर होता है उसका ऑथरेश होता है, ठीक है ना। तो ये सब इसके जेंडर्स हैं। तो वैसे तो काफ़ी होते हैं, आप सब लोगों को पता है बहुत सारे, लेकिन मैं तो केवल आप लोगों को आपके एग्ज़ाम तक के लाइक बताना चाह रहा हूँ। जैसे लोइन है तो लोइन का क्या हो जाएगा, लोइनेश हो जाएगा। इसी तरह से पीर होता है, पीर का पीरेश हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बाकी जो वर्ड्स हैं दे आर नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे आपके एग्ज़ाम के लिए, जो जेंडर के लिए, वो मैं आपको इसके अंदर बता चुका हूँ, समझ पा रहे हो। तो आई होप यू आर प्रिपेयरिंग, यू आर एंजॉइंग द वीडियो, एंड लाइक शेयर कॉमेंट करते रहें और मुझे एनर्जी देते रहें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकूं, और आपकी सफलता के अंदर मेरा जो चैनल है द सुपर फास्ट इंग्लिश वर्ल्ड, वो आप लोगों के लिए एक माइलस्टोन सिद्ध होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। एक ये ध्यान में रखना कि जो हंटर जो वर्ड होता है शिकारी, उसमें ये जो ई है ना वो हटके ई डब्ल एस लगता है, ये विशेष ध्यान रखना। हंटर के अंदर भी बताया मैंने, और टाइगर के अंदर भी मैंने बताया कि ई डब्ल एस तो लगता है लेकिन इसके अंत में जो ई आ रहा है उसको हटा करके हम लोग लगाते हैं, समझ पा रहे हो। अब अगली बात इसमें मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, इनचेंटर। इनचेंटर जादूगर होता है, इसमें भी ये अंत में जो ई आता है उसको हटा कर
ई डबल एस लगाया जाता है। तो आप ये देख रहे हो कि ये ई हट रहा है, इनचेंटर में, हंटर में, टाइगर में, इनमें अंतिम जो ई है वो हटके लगाया जाता है। अब पीर के बारे में मैंने बताया कि पीर सामंत होता है। सामंत के लिए मैंने तीन वर्ड आपको दिए हैं, एक वर्ड तो मैंने दिया है पीर, एक सामंत के लिए मैंने दिया था काउंट, एक दिया था मैंने अर्ल। ठीक है, पीर का एक मतलब और भी होता है जिसको हम बोलते हैं पैगंबर, हम बोलते हैं ना पीर बाबा की दरगाह, तो पीर का मतलब पैगंबर भी होता है। पैगंबर कौन होता है? पैगंबर होता है जो ईश्वर के मैसेज को फैलाता है, ठीक है, उसको हम पैगंबर बोलते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ नाउन जेंडर एंड आई हैव प्रोवाइडेड यू ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स फॉर इन रिलेशन टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर नेवी एंड एयरफोर्स एंड मैनी अदर एग्जामिनेशंस आल्सो। तो इसके साथ मैंने नाउन का टॉपिक जो है वो कम्प्लीट कर दिया है, एंड टुमोरो आई विल ब्रॉट फॉर यू एक्सरसाइज और द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ नाउन। नो 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 नो, टुमोरो आई विल टीच यू द टॉपिक ऑफ नाउन केस। तो अब तक जो मेरा जो ग्रामर का सीरीज मैंने शुरू करा था उसके अंदर मैंने आपको नाउन के प्रकार करवाए हैं, फिर मैंने आपको नाउन नंबर्स करवाए हैं, फिर मैंने नाउन जेंडर्स करवाए हैं, फिर मैंने आपको नाउन केस करवाने वाला हूँ कल। ठीक है, तो जिन्होंने पहले मेरे जो वीडियोस नहीं देखे हैं नाउन के प्रकार के, नाउन नंबर्स का, नाउन जेंडर्स का, वो पहले उन वीडियो को देख लें ताकि आगे के जो मैं लूँगा जिसमें मैं क्वेश्चंस और एक्सरसाइज आपको करवाऊँगा वो आप अच्छी तरह से समझ सकें। थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर कमेंट करते रहें, मैं बार बार आपसे ये बोल रहा हूँ, और आई विल ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे सक्सेस के लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट माई फ्रेंड्स, सी यू टुमोरो एट द डिफाइंड टाइम।